सब कुछ आपने बता दिया बट पूरी वैल्यू नहीं बताई आपने अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी सब। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इटसेल्फ इतना छोटा सा, इसकी एटलीस्ट वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम। तो फैलाइए देखें जरा क्या क्या रखा है आपके पास, माल मसाला। ओफो तो बेसिकली दीज आर पोकेमोन कार्ड्स, हम अपनी शक्ल लगाते हैं। तो मोस्टली यार ये लोग पता है कैसे जानते हैं, ये लोग पोकेमोन कार्ड्स को जानते हैं लोगन पॉल, वन ऑफ माय फेवरेट पोकेमोन, गेंगार आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम, स्कीवियोकी, ओह माय गॉड, एंड पीपल लाइक पोस्ट मलोन एंड एवरीबॉडी इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो मैंने भी है ना, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि जब पोकेमोन कार्ड्स का ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ था कि हम लोग भी कार्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्स द हार्म। And most of these cards are imported from Canada, Europe, America. क्योंकि इंडिया में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। So I have friends that keep shuttling to and fro, तो उनसे मंगवा लिए। eBay से cards collect किए, verify किए। हम लोगों ने खुद से खूब रिसर्च की, तब जाके पता चला कि original cards और नकली वाले cards का क्या difference है। This is launch, जब Pokemon launch हुआ था, तभी trading cards आए थे। Oh, new Charizard card, cool. New Gym Challenge game cards. जब लॉन्च होता था तो द कार्ड्स जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर फर्स्ट एडिशन, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एडिशन कार्ड्स, इज द फर्स्ट एडिशन पिकाचू, ये पहला पिकाचू है जो पोकेमोन कार्ड में लॉन्च हुआ था। दीस कार्ड्स हैव हाई वैल्यू, दीस आर लाइक विंटेज कार्ड्स। के वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, मतलब व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फॉर दिस इज लाइक अराउंड 30 to 60,000 रुपीस। हियर कम्स द मनी, हियर वी गो, जस्ट फॉर दिस कार्ड 60,000 रुपीस। If that shocks you ना, अभी तो अभी शुरुआत है बस। Made around 1995. अच्छा ये भी हमने सुना है, ये shadowless और हाँ ये थोड़ा बताइए shadowless and shadow क्या? शकल दिखाने को उन्होंने मना किया है ताकि reasons हमें नहीं पता, हम बताएंगे नहीं। खैर शकल दिखाने को मना किया तो खाली इनकी मधुर आवाज ही आएगी इस पे, वो आप सुन लीजिए। I don't want to tell people like कहाँ पे कलेक्शन कैसा है, मतलब top secret। So this is the Pikachu first edition. Now क्या होता है, जो सबसे पहले कार्ड लॉन्च हुए थे they were first edition, उसका हम लोग पहचान करते हैं, there is no shadow in the borders. और यहाँ पे फर्स्ट एडिशन का एक स्टैंप लगा होता है यहाँ पे, हाँ दैट एक्सप्लेन्स दैट दिस इज द फर्स्ट एडिशन कार्ड। ये पहला पोकेमोन सेट है जो हमारे पोकेमोन ने लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड सेट लॉन्च किया था वो दिस इज कॉल्ड शैडोलेस। अब इसमें फर्स्ट एडिशन का स्टैंप हट गया था, बट आप यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर पे कोई शैडो नहीं है। इफ यू लुक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कार्ड देयर इज अ शैडो ऑन द वन ऑन द लेफ्ट, नो शैडो ऑन द वन ऑन द राइट। और फिर उन्होंने पब्लिकली जर्नल सेट लॉन्च किया था जिसको बेस सेट कहते हैं, दैट इज दिस। इसमें आप देख सकते हो कि बॉर्डर में शैडो है। वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, इनकी वैल्यू डिफाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, जैसे हर चीजों का होता है। इन कार्ड ये सब प्रिंट से चले गए हैं, लाइक दिस आर विंटेज कार्ड्स, ये बन के खत्म हो गए और ये प्रिंट नहीं होने वाले हैं, इसलिए इनकी वैल्यू है, और कोई रीजन नहीं है। अभी आप करंट पोकेमोन कार्ड खरीदो तो उनकी कोई वैल्यू इतनी है नहीं। अब इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी है उतनी अच्छी वैल्यू है, क्वालिटी एंड विंटेज। हाँ, अब ये वाला सेट जनरली लॉन्च हुआ था लोगों के लिए, और ये वाले दो सेट पहले थोड़े से टाइम के लॉन्च हुए थे चले गए थे, तो इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। Shadowless and the first edition, और इस हिसाब से इनकी value decide होती है। Shadowless मतलब वही जैसे ये ऊपर वो design होगी उसके पीछे shadow है कि नहीं है वो। अगर मैं आपको ना collection दिखाऊँ basic collection, तो मेरे पास Ash का पूरा starter set है, Ash Ketchum Pokemon में जो main बंदा था। Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander and all of these are shadowless. So I have collected the entire set. और मैंने इसको compliment किया अपने Pikachu first edition के साथ। और इसका कितना होगा? ये total पूरा जो चारों का set दिखा रहा हूँ मैं, ये करीबन मतलब 80,000 तक पहुँच सकता है अगर ढंग से बोले। उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ चार का? सिर्फ चार cards का। और ये इकलौता card इन 80,000 के cards के बराबर है। ये मेरा सबसे expensive card है। It's a Charizard shadowless. इसकी वैल्यू पीएसए 5-6 के आसपास ही है, तो ये करीबन मतलब मुझे मिल जाएंगे इसके 1 to 1.5 लाख रुपए ज्यादा। हाँ सिर्फ इस कार्ड की, सबसे वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इन डिमांड कार्ड है, सबसे ज्यादा डिमांड में है फर्स्ट एडिशन, उसके बाद है चार्जर शैडोलेस। चार्जर कोई भी निकले उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस चार्जर इज of actually another Pokemon edition, Pokemon 2016 Evolution. ये 2016 में जो Pokemon का सेट आया था उससे निकला है, बट सिर्फ Charizard होलोग्राफिक है तब भी इसकी वैल्यू, अगर PSA 10 निकलता है तो इसकी वैल्यू 12 to 20,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इसकी इसकी एक कार्ड, ये 2016 का कार्ड है। रेयर कितना है ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इन डिमांड कार्ड है, सो दिस इज वेरी रेयर, दिस इज हार्ड टू गेट, दिस इज अ शिट, यू नो दिस इज द कोपेन ऑफ पोकेमोन कार्ड्स। ये असली माल है, ये असली माल है। सबसे PSA 10 होता तो मैं ये लोगन पॉल वाले कार्ड्स के टाइप्स में आ जाता है, तब इसकी वैल्यू 500,000 to $1,000,000 पहुंचती है। PSA मतलब कि लाइक जो ग्रेट ग्रेट कंपनी कंपनीज आई थिंक कार्ड को ग्रेड करती हैं, ग्रेट एक PSA एंड बैकेट ये बताती हैं कि कितने मतलब अच्छे कार्ड है। अच्छा ये विंटेज कार्ड्स हैं, ये जो जब से देखी जाती है कि
इसका प्रिंट बिल्कुल सही है, ये सेंटर्ड है, हॉलो कितना अच्छा है, कोई एजेस में डैमेज नहीं है या नहीं है, मतलब इतना भी देखा जाता है कि एजेस में डैमेज ना हो, तो दैट्स व्हाई कार्ड हम लोग मल्टीपल स्लीव्स में इसको ला के रखते हैं, सब छुपा के रखते हैं। सो आई एम गोना एक्चुअली ओपन दिस कार्ड फॉर यू। हाँ, तो एज यू कैन सी दिस इज कॉल्ड अ टॉप लोडर, जिसके अंदर हम पोकेमोन कार्ड डालते हैं, तो ये बिल्कुल जितने भी स्क्रैचेस हैं खुद के ले लेता है, इट्स लाइक अ मोबाइल का टेम्पर वाला टेम्पर। और ये एक छोटा सा स्लीव है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, तो आप देख रहे हो हर कार्ड को हम डबल लेवल प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद वैल्यू उसी पे काइंड ऑफ डिसाइड ही होती है उसकी। और इस कार्ड को अगर होल्ड करना है तो आपको इसको एजेस से ही होल्ड करना पड़ेगा, यू डोंट होल्ड इट लाइक दिस, नहीं तो आपके थंबप्रिंट्स आते हैं। 2016 पोकेमोन एवोल्यूशंस अराउंड 12-15,000 बक्स, 20,000 बक्स, आई डोंट नो जितना अच्छी रेट है, कितने संभाल के होल्ड करना, सुंदर कितना है यार ये। हाँ, इनके साथ ये ऑनलाइन पोकेमोन वाले, तो आप देख रहे हो हर कार्ड को डबल लेवल प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इनके साथ ऑनलाइन पोकेमोन वाले इसको भाई पकड़ लिया हम, इसको ऐसे नहीं, पहली बार ऐसे नहीं रखना चाहिए, वही हम बाद में ये एज बिल्कुल डर्ट है, तो जितना इस पे हमने डर्ट लगाया इसकी मतलब पैसे की वैल्यू गिरती है, तो अगर इसको नीचे रखना है तो फर्स्ट लेवल ऑफ स्लीव में डालो, लाइक 12,000 का कार्ड हमने तुरंत अभी 10,000 का बना दिया रख के, नाउ यू कैन लाइक कीप इट हियर। एंड इतना क्रेज इसका बढ़ क्यों रहा है, ऐसा क्या है इसमें, WWE के कार्ड में ऐसी क्या बुराई है, जाके किसी और को ढूंढ ले, चल एक मिनट, अरे हमें पूरा यकीन है। नहीं, ट्रेडिंग कार्ड्स का अमेरिका में USA साइड में हमेशा से ट्रेंड रहा है, पोकेमोन का हमेशा से रहा है, जस्ट हम लोगों को अभी पता चला बिकॉज यूट्यूबर्स ने इसको बहुत प्रमोट कर दिया, लाइक हम कर रहे हैं अभी। दीज आर अनसील्ड पोकेमोन 2016 कार्ड्स, ये मैंने कनाडा से मंगवाए थे एंड ये अभी तक खुले नहीं है, ये पूरा मेरे पास 3 का सेट पड़ा हुआ है, तो इसकी काफ़ी हाई डिमांड हो रही है, मतलब विंटेज के बाद एवोल्यूशंस की बहुत डिमांड हुई है, तो इनके भी मुझे लाइक मतलब मैंने कुछ $10-20 का लिया था, बट अब ये 1500 से 2000 इवन लाइक 4000 तक जा सकता है अगर जितने अच्छे कंडीशंस में हो। आप देख सकते हो बिल्कुल मिंट कंडीशन में, कोई स्क्रैच नहीं है, इवन इसके साइड के एजेस तक भी स्क्रैच नहीं है, एकदम कड़क माल है ना। आई एम ट्राइंग टू होल्ड इट फॉर 4-5 years, उसके बाद मैं सेल्स को बेचूं या ना बेचूं, देखो लाखों तक अच्छा लगता है, शायद लाखों तक जा सकता है, चांसेस हैं। ये जो पूरा कलेक्शन देख रहे हो आप, जितने भी हमें कार्ड्स हैं, तो मतलब इसमें काफी अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, लाइक फर्स्ट एडिशन ऑनिक्स कार्ड, लेफ्टिनेंट सर्ज पियरो, लाइक इफ यू गो फॉर मॉडर्न कार्ड्स तो हमारे पास मॉडर्न रेयर्स भी हैं, लाइक सर थिंग पिकाचू, इमार्कस डूडुओ, राइचू होलोग्राफिक भी है, दिस इटसेल्फ इज लाइक 15-20,000 रुपीस कार्ड। होलो कार्ड्स की बहुत वैल्यू है, स्पेशली विंटेज में, बिल्कुल मिंट कंडीशन में है ये सारे कार्ड्स। एंड ये अभी बहुत हमने कोशिश की इनको कि खुलवा लें, एक कार्ड एक एटलीस्ट पैक खुलवा लें, बट कह रहे कि अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि वैल्यू क्या पता कोई अच्छा कार्ड निकला तो उसकी वैल्यू और बढ़ सकती है फ्यूचर में। नहीं है, बट अगर ध्यान से देखा जाए, दिस इज 1995 का कार्ड, मतलब कितने साल पुराना है वो, 21+5 = 26, 27 साल पुराना कार्ड, 27 साल, बाप है ना, 21+5, हाँ मतलब 96 हमारी है बॉर्न, 25 कितने साल के हम, उससे एक साल बड़ा है बल्कि कार्ड, देखो कैसे बड़े भैया, प्रिंट हुआ था ये, उससे बड़ा कार्ड है, तो मतलब ये नहीं खोलेंगे आप, मतलब क्या ही बताएं, मैं खोल देता, बट मेरी प्रॉब्लम समझो कि ये तीनों डिफरेंट सेट का है, ये पूरा एक सेट कंप्लीट करता है, मैंने एक भी खोला तो उसका सेट ब्रेक हो जाएगा, सेट पूरा वो हो जाएगा, नहीं खोलेंगे आप, क्या ही बताएं, बस बहुत कोशिश की हमने, बहुत इनको लालच दी, बट रात भर सोचने का मौका दिया, बट आप लोगों को ऑनिक्स पता ही होगा, ऑनिक्स इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पोकेमोन कार्ड, इसको भी ऐसे पकड़ना है, सुंदर पड़े हैं यार ये, जो बात बेसिकली एक मैजिक कार्ड, ठीक है, मैजिक कार्ड इज वन ऑफ द पॉपुलर पोकेमोन कार्ड्स, ये गायराडोस से बनता है, गायराडोस बहुत सुना हमने इसके बारे में, कुछ ये रैपर है ये स्लीव है, क्योंकि इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट तो हम लोग इनको क्या करते हैं, डबल डबल होल्ड कर लेते हैं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ओ सही है, हाँ एक मेमोरी रहेगा, होल्ड करो क्या मतलब 5-6 साल बाद इनकी भी तुम्हें मतलब एटलीस्ट 10-15,000 रुपीज मिल सके, पैसा ही पैसा होगा, नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, गिफ्ट तो रखे रहते हैं हम, खैर गिफ्ट रखे रहते हैं, दो कार्ड्स इसके अंदर, प्रीति नाइस, इसको लेकिन ऐसे पकड़ना है ना, हाँ ट्राई करना कि ज़्यादा ये ब्रेक ना हो, सब कुछ आपने बता दिया बट पूरी वैल्यू नहीं बताई आपने, अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी सब, हाँ, सब मिला के, तो जो ये वैल्यूएबल कार्ड, ये तीन सेट, ये है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, हाँ। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इटसेल्फ इतना छोटा सा, इसकी एटलीस्ट वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख, व्हाट द सिर्फ इतने कार्ड्स की मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर मेरे को अगर आप सब ग्रेड करा लो, मतलब बेसिकली इसमें 25,000 रुपये और डालो ग्रेडिंग के, तो इनकी वैल्यू आप 5 लाख रुपए तक भी निकाल सकते हैं, बाप रे, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से, नॉस्टैल्जिक एंड कुछ टैंजिबल है तुम्हारे पास, हाँ इवन अगर ये नहीं भी बिके, कुछ हो जाए फ्यूचर पोकेमोन कार्ड की वैल्यू ना रहे,
This is a 95-year-old card. वो भी एक तरीके से हाँ, अगर पोकेमॉन में नहीं जाता है तो कुछ तो वैल्यू है इसकी. इट इज समथिंग. ये दूसरा सेट है जो पोकेमॉन का लॉन्च होता है. 40,000. आई थॉट पिकाचू की बहुत वैल्यू होती होगी, बट 40,000. बचपन में खेला करते थे पोकेमॉन कार्ड से, तब पता नहीं था. बट मोस्टली इंडिया में जो पोकेमॉन कार्ड्स थे वो हमेशा से इलीगल आए थे. मतलब इलीगल कह रहा हूं, मतलब कॉपी. हां, पायरेटेड. बिकॉज़ आई एक्चुअली हैड दोस कार्ड्स एंड घर जाके खोला तो मुझे पता चला सारे थे. इंडिया में ज्यादा लोग कलेक्ट नहीं करते हैं, तो वी हैव लाइक दिस इज 50% ऑफ द आवर सेट. हम दोनों ने कलेक्शन स्टार्ट किया था, एंड अगर हमारा 100% सेट कंबाइन किया जाए तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोकेमॉन. मतलब कहना चाह रहे हैं सेकंड बेस्ट कलेक्शन इनके पास है अभी इंडिया में. मतलब सेकंड बेस्ट नहीं, हम दोनों को मिला के. अच्छा, मिला के 70% कार्ड्स, 80% कार्ड्स उसके पास है. हम दो दोस्तों ने सब स्टार्ट किया था. देखा आपने, बचपन में खेला करते थे, तफरी. आज क्या ही हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट. बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे, तो एक बार देख ही लेते हैं क्या तोहफा मिला है. ट्रेनर कार्ड तो ये पहला कार्ड है. कौन क्या मैजिक आप ठीक है. ये दूसरा ट्रेनर कार्ड है. दूसरा हाँ लिखा, इट इज वर्चुअली वर्थलेस इन टर्म्स ऑफ बोथ पावर एंड स्पीड. इट इज द मोस्ट वीक एंड पैथेटिक पोकेमॉन इन द वर्ल्ड. But it evolves into a very popular Pokemon card. 17 साल के, 18 साल के. वो तो मान लो तो 17 साल के लगते हो. मतलब बहुत जवान लगते हैं बेसिकली. अच्छी बात है भाई, जल्दी बुड्ढे नहीं होंगे. मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता. सही है, क्या ही बना इतना सारा ब्लॉग, बहुत डेटा हो गया. ओके बाय. मेरे बाल इसी कैमरे में ब्राउन दिख रहे हैं कि ऐसे हैं? ऐसे हैं भाई, नेचुरल है.